हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग रोमन नंबर के बारे में देखने जा रहे हैं। और खास बात यह रहा कि रोमन संख्या का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि अभी एनटीपीसी परीक्षा जारी है और इस 3 दिन के शिफ्ट में 28, 29, 30, 3 दिन जो परीक्षा हुई है उनमें 2 शिफ्टों में रोमन संख्या से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न तो था कि 590 को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है। तो इन सबको देखते हुए रोमन संख्या के महत्व तो काफी बढ़ चुकी है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपसे कोई भी रोमन संख्या के प्रश्न मिस नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक को ध्यान दें। ये रोमन संख्या में 1, 2, 3, 4, देखिए रोमन संख्या में ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10। और उसके आगे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 10 पे जो रखेंगे, 10 पे 1 रखेंगे, 11, 10 पे 2 रखेंगे, 12। तो देखिए जैसे कि हमारा ये 10 है और 2 है, अगर इसको 10 पे रखेंगे तो 10 पे 2 12 हो जाएगा। ठीक इस तरह से यदि 10 पे हम 3 रखते हैं तो 13 हो जाएगा, यदि 10 पे हम 5 रख देते हैं तो 15 हो जाएगा। ये हमारा 10 रहा और ये हमारा 5 रहा, इन दोनों को 10 पे 5 रखे तो 15 हो गया। इस तरह से 10 पे यदि 6 रख दिए तो 16 हो गया। ठीक 10 पे क्या रख दिए, 6 रख दिए तो 16, 10 पे 7 रख दिए 17, 10 पे 8 रख दिए 18। इस तरह से यदि हमारा ये 20 है और 20 पे हम ये 8 को रखते हैं तो 28 हो जाएगा। ये 20 रहा, 10, 10, 20 और ये 5, 25, 26, 27, 28। इस तरह से हमारा संख्या बन जा रहा है। ठीक आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारा ये एल से 50 होता है, LCDM फार्मूला है, एल से 50, सी से 100, डी से 500, एम से 1000, 50 है और इस पे हम 7 अगर रख देते हैं तो संख्या 57 हो जाएगा। यदि हमारा 57 लिखना हो, यदि हमें 57 लिखना हो तो 50, 5, 55 और 2, 57, यानी कि 50 लिख दिए और 7 लिख दिए, 57 हो गया। तो इस तरह से आसानी से लिखा जा सकता है। हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि यदि किसी संख्या के बाईं तरफ रोमन संख्या बैठती है तो उसका मान माइनस में होता है। जैसे ये 10 है रोमन में और बाईं तरफ 1 बैठा दिए तो ये -1 हो गया, यानी 9 हो गया। और यदि दाहिनी तरफ बैठती है तो उसका मान प्लस होता है। जैसे ये 10 है अब दाहिनी तरफ 1 बैठा दिए तो इसका मान जो है 11 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। लेकिन यही बाईं तरफ बैठा था तो 1 घट चुका था, माइनस में हो चुका था। आगे देखिए, जैसे ये एल से 50 होता है, लेकिन 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 इसके पहले यदि 10 लगा दें बाईं तरफ तो ये माइनस में हो गया, इसका मान हो गया 40। और यदि एल से 50 होता है इसमें दाहिने तरफ 10 बढ़ गया तो इसका मान हो गया 50, 60, क्योंकि दाहिने तरफ मान जो है बढ़ता है। ठीक देखिए दोस्तों, जैसे एल है इसके बाएं 1 लग गया तो हो गया 49, 50 में से 1 कम 49। लेकिन 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 यदि एल के दाहिने 1 लग गया ठीक तो 50 और 1 51 हो गया। अब देखिए बावें और दाहिने ये कौन संख्या लगने से मान जुड़ता और घटता है, कोई भी नहीं लगता। 1 को लगाया जा सकता है, 10 को लगाया जा सकता है, 100 को लगाया जा सकता है। ठीक 1 को, 10 को और 100 को, किसको किसको लगाया जा सकता है भाई? 1 को, 10 को और 100 को लगाया जा सकता है और किसी को नहीं। ठीक जैसे देखिए आपको 400 लिखना है, डी से 500 होता है, डी से कितना होता है दोस्तों 500, लेकिन इसमें से 100 कम कर देंगे तो 400 हो गया। लेकिन वही यदि डी में 100 बाद में लगा देंगे
यानी दाहिने तरफ, तो प्लस में हो गया। अब इसका मान 600 हो गया, डी से 500 होता है, 80 से 100, तो 600 मान हो गया। अब देखिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग ये देखें, सबसे पहले इसको 10 बोलते हैं, डबल एक्स हो गया 20, ट्रिपल एक्स हो गया 30, लेकिन 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 40 के लिए 4 गो एक्स का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोमन संख्या में कोई भी संख्या 4 बार नहीं आती है, चाहे वो एक्स हो या सी हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, एक्स अधिकतम 3 बार आ सकता है, कोई भी संख्या 4 बार नहीं आती है, लेकिन एक्स 3 बार आ सकता है, सी 3 बार आ सकता है, ठीक, और एम 3 बार आ सकता है, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक। यानी कि सबसे पहले तो एक 3 बार आ सकता है, बात यह रहा कि एक 3 बार आ सकता है, ठीक, 10 3 बार आ सकता है, सी 3 बार आ सकता है, ठीक दोस्तों, और इसके अतिरिक्त सी 3 बार आ सकता है, इसके अतिरिक्त एम 3 बार आ सकता है, और कोई 3 बार नहीं आता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये ध्यान दे दोस्तों कि कुछ ऐसी संख्या है जो लगातार 2 बार नहीं आ सकती, वो कौन कौन है? ये 5, ये लगातार 2 बार लिख दोगे गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद ये हो गया आपका 50, ये लगातार 2 बार लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके विकल्प बने हुए हैं, 2 बार न लिख के इसे सी लिखा जाएगा 100, 5 2 बार न लिख के इसे सीधा 10 लिखा जाएगा, ठीक, और 2 बार डी न लिख के यानी 500 500 न लिख के 1000 सीधा एम लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इन पे ध्यान दें कि 2x से 20, 3x 30 और 50 में से 10 कम हो गया, तो एक्स एल से 40, एल से 50, एल एक्स 10 बढ़ गया 60, और एल पे 2 गो एक्स बढ़ गया 10 10 20, तो 70, और एल पे 3x बढ़ा यानी 50 10 60 10 70 10 80 हो गया। लेकिन 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 4x नहीं बढ़ेगा 90 के लिए, क्या होगा? तो सी से 100 है ना, इसमें से 10 माइनस कर दो, बाएं तरफ बैठा दो, तो 90 हो गया और सी से 100 हो गया, ठीक। तो आगे हम लोग अब रोचक चीजें देखते हैं कि सबसे पहली बात है, अब दोस्तों ये चीज ध्यान दे कि यदि हमें 125 लिखनी है तो क्या करेंगे? सी से 100 लिख देंगे, ठीक, और उसके बाद 20 और 5 25 होता है, तो 20 10 और 10 20 और 5 हो गया 25 लिख दिए 125। दोस्तों यदि हमें 200 दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि हमें 296 लिखनी है तो आप देखिए 2 गो सी से 200 हो गया, 900 200, और 90 प्लस 6 होता है, तो 90 कैसे लिखेंगे? तो सी से 100 और उसमें से 10 कम 90, अब फिर 6 5 आ 1 6, तो 296 हो गया ना। आगे देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले एक फार्मूला को इसको ध्यान रखिए, LCDM, कौन सी फार्मूला है? LCDM, L से 50, C से 100, D से 500 और M से 1000 होता है। दोस्तों L से होता है 50, C से होता है 100, D से होता है 500 और M से होता है 1000। इसको LCDM फार्मूला के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? LCDM, इसको LCDM फार्मूला के नाम से जानते हैं। L से 50, C से 100, D से 500 और M से 1000 होता है। इसको माइंड में बैठा लीजिए दोस्तों, LCDM, L से 50, C से 100, D से 500, M से 1000, ये जान जाएंगे तो दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे L से 50 है, 60 हमें लिखना है, तो 60 लिखना है तो सीधा L से 50 10 60, 70 लिखना है L से 50 10 60 10 70, 80 लिखना है L से 50 10 60 10 70 10 80, ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। जैसे हमें 200 लिखना है तो 100 से C से 100 तो 2 गो C से 200, 3 गो C 300, ठीक। जैसे हमें 355 लिखना है तो 100 200 300 50 और 5 55, ठीक, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक। जैसे हमें 700 लिखना है तो D से 500, C से 600, फिर एक C से 700, क्योंकि C का मान 100 100 बढ़ रहा है, तो D से 500, C से 100, C से 100,
600 700, जैसे हमें 950 लिखना है दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले 900 लिखेंगे, तो 1000 में से एम से 100 को माइनस कर लिए, ये 900 हो गया, एल से 50 लिख दिए, ठीक। आगे हम लिखना सीखते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जैसे 150 लिखना है, आप देखते रहिए, ये 150 हमें लिखना था। इसके लिए हमने क्या किया, पहले विस्तारित रूप में लिखा 100 प्लस 50, एक के बाद दो अंक रोमन संख्या में सी लिख दिए और 50 के लिए एल लिख दिए, ठीक। देखिए 100 के लिए रोमन संख्या में क्या लिख दिए, सी, और 50 के लिए एल, ठीक। इस तरह से हमारा आ गया सी एल, 100 के लिए सी और 50 के लिए एल, इस तरह से क्या आया, सी एल। तो सी एल जो है हमारा हो गया 150, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, अगला जैसे हम लोग 200 लिखते हैं, तो 200 लिखते हैं तो 2 सी लिए लिख दिए, तो 200 हो गया ना दोस्तों, 2 गो सी का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 200। आगे 300 लिखते हैं, 3 गो सी, ठीक दोस्तों। आगे हम लोग 400 जैसे लिखते हैं, तो देखिए 4 गो सी नहीं होता, डी से 500 होता है और उसमें से 100 माइनस कर दिए, तो 400 हो गया। आगे 500 लिखना है तो डी से 500, आगे देखिए 600 लिखना है तो क्या हुआ, डी से 500 और 100 उसमें जोड़ दिए, तो 600 हो गया सी। अच्छा आगे हम लोगों को 700 लिखना है, तो देखिए दोस्तों डी से 500 और एक सी से 600, एक सी से 700, ठीक। आगे 800 लिखना है, तो देखिए दोस्तों 800 में क्या हुआ कि डी से 500 तीन सी है, यानी 100 100 100, 600 700 800 हो गया दोस्तों। इस तरह से 900 लिखना है, तो सबसे पहली बात कि एम से 1000 होता है, उसमें से 100 माइनस कर लिए बाएं तरफ, तो 900 हो गया। इस तरह से एम से दोस्तों 1000 और 2m से 2000 हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 3m से 3000, लेकिन इसके आगे यदि 4000 लिखना हो, 5000 लिखना हो, तो संख्या के ऊपर बार चढ़ाया जाता है। जैसे हमें 5000 लिखना है तो 5 लिख दिए और इसका नाम है बार, संख्या के ऊपर बार लग गया तो संख्या हो गई 1000। संख्या के ऊपर लगाओ बार और संख्या हो जाएगी 1000, ठीक। 1000 गुना संख्या के ऊपर लगाते हैं बार, संख्या हो जाती है गुना 1000, संख्या क्या हो जाती है 1000 गुना। जैसे ही 10 हैं, इस पे बार लग गई तो 10000 हो गया, ठीक। जैसे दोस्तों ये 500 हैं, इस पे बार लग गई तो 500000 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 500000, यानी कि 100000 के 1 लाख यानी 5 लाख हो गया दोस्तों, ठीक। जैसे ये 15 हैं, इस पे बार लग गया, 15000 हो गया। जैसे दोस्तों इसमें 50 और 10 60 हैं, इस पे बार लग गया, तो ये 60000 हो गया, समझ गए बात। तो 3000 से आगे 4m नहीं लिखा जाता, 3000 के लिए दोस्तों 3m होता है, 3000 के लिए 3m होता है, लेकिन 4000 के लिए कैसे होगा दोस्तों, तो 4000 के लिए पहले 4 लिखेंगे और उसको 1000 कर देंगे, बार लगा देंगे तो 1000 गुना हो गई। आगे देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम 167 को कैसे लिखते हैं, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 167 रोमन संख्या में लिखना है। सबसे पहले हम विस्तारित रूप में लिख लिए कि 100 प्लस 60 प्लस 7, एक के बाद दो अंक है 2 0, उसके बाद 6 के बाद एक अंक है 1 0, 7 के साथ। अब सी का रोमन संख्या में दोस्तों देखते हैं, रोमन संख्या में क्या हुआ, तो सी का 100 हो गया और 60 का क्या हो गया दोस्तों, प्लस 60 का 50 और 10 60 और 7 का हो गया 5 6 7। इस तरह से इकट्ठा लिख दिए तो सी एल एक ये हो गया 167। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए, 256 है। सबसे पहले लिखने के लिए विस्तार में लिख दिए, 2 के बाद 2 0, इसके बाद 5 पे 1 0, फिर 6। अब हम बनाते हैं इसको, 200 हो गया, 50 हो गया और 6 हो गया, 256 आसानी से आ गया दोस्तों। 200 का 2 गो सी प्लस 50 का एल प्लस 6, और एक जगह लिख दिए सी सी 50 5 है 6, ठीक। तो हो गया 256। अगला देखते हैं दोस्तों, 472 हैं, तो 472 दोस्तों ध्यान दें कि
400 सबसे पहले हम लिखेंगे तो सी या डी, टी से 500 होता है, 100 कम कर दिए, 400 हो गया, एल से 50, 10 60, 10 70, 2 72 हो गया। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग लिखते हैं 732, तो 732 में दोस्तों ध्यान दीजिए, 700 प्लस 30 प्लस 2, 700 के बाद 3 पे 1 0 30 प्लस 2, तो 700 कैसे लिखेंगे, 500 डी हो गया, 2 गो सी 200 हो गया, प्लस 30 है तो 10 20 30 और 2, 732 हो गया ना दोस्तों। आसानी से देखते जाइए आप, केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। 592 हैं तो दोस्तों 500 के लिए डी हो गया, और 90 कैसे लिखा जाता है, पहले 100 में से 10 को कम कर दो, बाई तरफ लगा दो, तो 90 हो गया प्लस 2। ठीक, यानी 500 के डी प्लस 100 में से 10 कम, 90 प्लस 2, तो हो गया इस तरह से 592 का कैसे लिखे, 500 ये हो गया 100 से 10 कम, यानी कि 90 और 2 592। दोस्तों अभी परीक्षा में, एनटीपीसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन 590 को देखिए, 500 प्लस 90, और सीधी सी बात है कि 500 का आप अंग्रेजी में रोमन संख्या में डी लिखेंगे और 90 का सी में से 10 कम, 90 हो गया, तो 590 हो गया हमारा। आगे आ गए दोस्तों 917, तो 900 प्लस 10 प्लस 7 विस्तारित रूप में लिख लिए। ठीक, तो 900 के लिए 1000 में से देखिए 100 कम, 900 हो गया प्लस 10 प्लस 7, ठीक, तो 917। देख रहे हैं कि सबसे पहले 900 के लिए 1000, 1000 में से 100 कम कर दीजिए, सी से 100 हो गया, 900 हो गया, और 10 के x लिखा गया, सात के लिए भी आई आई, ये रोमन संख्या में 917 हो गया। इस तरह से देखते हैं दोस्तों 1019, तो सबसे पहले देखिए 1000 लिख लिए विस्तारित रूप में, एक के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो, फिर 9। अब 1000 के लिए m होता है, 10 के लिए x होता है, अब 9 कैसे लिखते हैं, 10 के बाईं तरफ। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो संख्या हुआ पूरी 1019 हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है 1678। देखिए सबसे पहले विस्तारित रूप में लिख लिए, एक के बाद जो तीन अंक हैं, तीन जीरो बैठा है, छः के बाद दो अंक हैं, दो जीरो, सात के बाद एक अंक है, एक जीरो, और आठ क्या, विस्तारित रूप हो गया दोस्तों। अब देखिए 1000 को रोमन में एम लिखते हैं, 600 कैसे लिखते हैं, 500 और 100, 500 को डी और 100 के सी, 600 हो गया, 70 के लिए एल से 50 होता है, 1 से 10 60 और 1 से 10 70, 8 5 और 6 7 8। ठीक, तो ये हमारा जो हुआ पूरी रूप से 1678 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों 2513 लिखना है, तो सबसे पहले 2000 हैं तो 2 एम लिखा गया, फिर 500 है तो D से 500, 1 से 10, 3 ये हो गया 2513। अब देखिए दोस्तों, जैसे 3719 है, आप देखिए 3000 पहले विस्तारित रूप में लिख लिए, फिर 7 पे के बाद दो अंक है 700, फिर 1 पे 1 0, फिर 9। ठीक, तो 3719 आ गया हमारा, 3000 का 3 एम आप जानते हैं, 3 एम लिखा गया, 700 के D से 500, C से 600, C से 700, एस एक्स से हो गया 10 और आई एक्स से हो गया 9, तो इस तरह से 3719 हो गया हमारा। आगे देखिए दोस्तों 5600, 5600 क्या है दोस्तों, 5685, तो 5000 के लिए भी लिखिए, और देखिए 3 एम से ज़्यादा नहीं होता है, 4m 5m नहीं होता है, इस पे संख्या बार लगा देने से संख्या हजार गुना हो जाती है, ये 5000 हो गया, 600 के लिए D से 500, 80 से 100, 680 तो 50 60 70 80 और 5 85, इस तरह से संख्या हमारा 5685 हो गया। दोस्तों 8713 लिखना है, तो 8 कैसे लिखेंगे, 5 6 7 8, इस पे संख्या चढ़ा दो बार तो हो गया संख्या 8000, क्योंकि संख्या पे चढ़ाओ 12 संख्या होती है गुना हजार। ठीक, और 700 है तो D से 500, C से 600, फिर 1 से 700, फिर 1 से 10 और 3 पाई,
यानी कि 3 हो गया, तो 8713 हो गया। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, देखिए जैसे 25256 लिखना है। सबसे पहले हम विस्तारित रूप में लिख लिए कि 2 पे के बाद 4 अंक है, तो 4 जीरो दिए, 5 के बाद 3 अंक है दाहिने 3 जीरो, 2 के बाद दाहिने 2 अंक है 2 जीरो, 5 के बाद दाहिने 1 अंक है 1 जीरो 6, तो 20000 हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप 20 लिखिए और उस पे चढ़ा दीजिए 12, हो गया संख्या गुना हज़ार यानी 20000, और 5000 हैं तो और 5 लिखिए और इस पे भी चढ़ा दीजिए एक ही बार लंबा, तो ये हो गया 10 10 20 5 25 25000, और 200 दूगो सी एल से 50 आप भी आई से 6, तो हो गया संख्या 25256। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे 85716 लिखना। देखिए 8 के बाद 4 अंक है दाहिने 4 जीरो, 5 के बाद दाहिने 3 अंक है 3 जीरो, 7 के बाद दाहिने 2 अंक है 2 जीरो, 1 के बाद दाहिने 1 जीरो अंक है 1 जीरो 6। अब 80000 है दोस्तों, 80000, तो 50 10 60 10 70 10 80, इस पे चढ़ा दिए 12, 80000 हो गया, और 5000 है और 5 रखिए, इसी बार को यहाँ तक लाइए ठीक, तो इतना हजार हो गया 85700, तो डी से 500 600 700 और 10 अच्छे ठीक, तो संख्या हो गया 85716। आगे देखिए दोस्तों, आगे है 3,05,263। सबसे पहले संख्या को तोड़ लिए, 3 के बाद जितने अंक है उतने शून्य ठीक, 5 अंक है 5 शून्य, 1 के बाद 4 अंक है 4 शून्य, 5 के बाद 3 अंक है 3 शून्य, 2 के बाद 2 अंक है 2 शून्य, 6 के बाद 1 अंक है 1 शून्य 3। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा 300000, तो 300 3 को 100 लिख दीजिए सी सी सी, उस पे चढ़ा दीजिए बार, हो गया संख्या गुना हजार 300000 यानी 3 लाख, और 10000 है 10 और लिखिए इस पे भी बार लाइए इतना, और 5000 है इस 5 लिखिए, इसी इस बार को यहाँ तक लाइए ठीक, तो संख्या अब क्या हो गया 3C x V, यानी इस तरह से संख्या हो गया दोस्तों, 3C x से 10 अभी से 5, ये संख्या एक ही बार हो गया यहाँ तक, तो संख्या हो गया 3,10,5,15,000। अब 2C से 200, आप L से 50, 1 से 10 60, और 3 60 और 3 क्या हो गया दोस्तों 63, संख्या 3,15,263 हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे ये है 17 नंबर, अब 17 नंबर कहता है कि एल एक्स भी आई, इसका मतलब क्या हुआ, एल से दोस्तों देखिए, एल से हो गया है 50, भी से हो गया है 10, एक्स से 10, अब भी आई से क्या हो गया 6, तो संख्या कितना हो गया 50 10 60 अच्छे 66, कितना हो गया दोस्तों 66 सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, ये 18 नंबर हैं कि 2C है, तो 2C का मतलब क्या हुआ 200, इसके बाद 3X है मतलब 30, इसके बाद I भी यानी 4 है, संख्या कितना हो गया तो 230 4 234 ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो 234 हो गया इस तरह से। आगे इसको हल करना है कि सबसे पहले डी सी एल एक्स एक्स भी है, तो डी से हो गया कितना दोस्तों 500, और फिर सी से 100, एल से 50, 2C से 20 और प्लस 5, तो हो गया कितना 500 600, अब 50 अभी 70 और 5 75, संख्या हो गया 675 ठीक, बराबर में कितना आ गया दोस्तों 675। आगे देखिए दोस्तों, जैसे 20 नंबर है, 20 नंबर डी एक्स सी, डी से हो गया दोस्तों 500, 80 में से 100 होता है या 10 कम है तो 90 हो गया ना, 590 उधर भी लिखे इधर भी, क्योंकि ये एग्जाम में NTPC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 590, तो संख्या हो गया 590। अब हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी तरह के रोमन संख्याओं को हल कर सकते हैं, परंतु अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो सके।
ठीक, तो एम एम सी 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 एल है, ये रोमन संख्या को लिखना है। तो दो एम से आप जानते हैं कि 2000 हो गया, और तीन सी से 300, और एल से 50, इस तरह से संख्या हो गई 2350। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों एम डी एक्स भी आई है। तो एम से आप जानते हैं कि 1000 होता है, डी से 500 होता है, और एक्स से 10, और भी आई आई से 7। संख्या जोड़ दिए, 1000 और 500 1500, और 10 7 17 1517। ठीक, आसानी से आप हल कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जैसे ये संख्या है, ये संख्या जैसे इस पे बार होता, 10 से 5 पे क्या होता, बार, 10 और 5 पे क्या होता, बार, तब कितना हो जाती संख्या। तो 10 और 5 15 हो गया, लेकिन बार है तो 1000 कर दीजिए, 15000, डी से 500 है, और 10 और 7 17 है, तो संख्या कितना हो गया, 15517। ये बार के लिए ही छोड़े थे दोस्तों, नहीं तो ये सही नहीं होता, तो नहीं तो ये सही नहीं होता। तो देखिए 15517 ये हो गया, कितना हो गया, 15517। अब देखिए दोस्तों कभी कभी त्रुटियां पूछी जाती हैं कि किसमें गलत है, कौन सा गलत है, कौन सी त्रुटियां हैं, तो इसके लिए रोमन संख्या के कुछ नियमों को आप जान लें। देखिए सबसे पहले पहला नियम ये कहता है कि किसी भी रोमन अंक का प्रयोग लगातार 3 बार से अधिक नहीं हो सकता। 40 लिखना है तो 4 बार एक्स नहीं होगा, इसके लिए तो हम लोग 50 से 10 कम करके 40 लिखते हैं। ठीक, या 4 लिखना है तो 4π नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए तो हम लोग आई और भी ऐसे 4 लिखते हैं, न कि 4 बार खींच दे, ऐसा नहीं होगा कि 4 बार ऐसे ऐसे कर दे 4 हो जाए, नहीं। नियम नंबर 2 जानिए, ये भी है जिससे 5 होता है, एल से 50 होता है, और डी से 500 होता है, इनका प्रयोग लगातार 2 बार नहीं किया जा सकता। ये सिंगल ही आते हैं अकेला, ये न कि लगातार 2 बार हो जाए, ऐसे नहीं कि अर्थात भी एल एल या डी डी नहीं लिखा जा सकता, अगर लिखेंगे आप तो गलत होगा। जैसे 100 लिखना है और 2 बार एल एल 50 और 50 100 लिख दिए, तो ये गलत है क्योंकि 100 के लिए आपको सी बनाया गया है, 2 बार नहीं देना है, इन त्रुटियों को ध्यान रखना है। जैसे 500 लिखना है दो या 1000 लिखना है तो 2 बार डी डी नहीं दे सकते या 500 के, क्योंकि 500 का डी होता है, लेकिन 1000 के लिए भी आप 2 बार डी डी नहीं दे सकते, इसके लिए 1 बार बनाया गया है कि 1000 के लिए एम होगा, 1000 के लिए क्या बनाया गया है, एम, तो आप 2 बार डी डी नहीं लिख सकते, ये लिखना भी गलत है, किसी तरह से गलत हो, 500 के जगह पे 1000 होना चाहिए था। हालांकि देखिए किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा देने से वह संख्या अपने आप के 1000 गुना हो जाती है, संख्या के ऊपर बार लगाने से क्या होती है संख्या 1000 गुना। जैसे भी से 5 होता है, अच्छी बात है, लेकिन भी के ऊपर यदि बार लगा दें हम, क्या करें, भी से 5 होता है, ये अच्छी बात है कि भी से 5 है, लेकिन यदि इस पे ऊपर बार लग जाए तो संख्या हो जाएगी कितना, जानते हैं, संख्या हो जाएगी 5000। ठीक, अच्छा अब देखिए जैसे डी एक्स से 10 होता है, लेकिन यदि उसी एक्स पे बार लग जाए तो ये संख्या हो जाएगी 10000। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए मेन प्रश्न पे बने रहिए लास्ट तक कि कौन सी संख्या गलत है, इनमें यदि चुनते हैं कौन संख्या गलत है, तो देखिए ये पहले पे ध्यान दें, सबसे पहले कि कौन गलत है, तो पहला जो है डी से 500, एल से 50, फिर एक्स 10 10 10 यानी 60 70 80 या 86, ये सही है। दूसरा में एम से 1000, 3 गो सी यानी कि 300, 1300 और 10 7 17, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन एम डी एल एल। हाँ दोस्तों ध्यान रखें यहाँ 2 बार एल एल आया है, तो लगातार 2 बार एल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये गलत है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हुआ। सही आंसर कौन हुआ दोस्तों, सी नंबर सही आंसर हुआ, ये गलत हुआ क्यों,
क्योंकि इसमें लगातार दो बार एल एल आया है, ये नहीं होता है, इसलिए सी आंसर। आगे देखते हैं कौन सी संख्या गलत है। अब हम लोग देख रहे हैं दो नंबर प्रश्न में, आप देखिए इसका सही आंसर हुआ ए नंबर। क्यों? क्योंकि लगातार दो बार इसमें डी आया है, इसके लिए एम आता है, लगातार दो बार डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा आगे देखिए दोस्तों, तीन नंबर कौन सी संख्या गलत है। आप देख रहे होंगे कि इसमें लगातार दो बार एल का प्रयोग हुआ है बी नंबर में, इसलिए ये गलत है बी नंबर। ठीक, सॉरी, इसमें तो कौन सी संख्या सही है चुनना है दोस्तों, इसलिए सही चुनिए, क्योंकि इसमें लगातार हमें गलत दिख रहा। देखिए ये दो बार भी आया, ये गलत हो गया। इसमें दो बार एल एल आया, ये गलत हो गया। इसमें दो बार डी डी आया, ये गलत हो गया। केवल सही कौन सा है? डी नंबर। ठीक, डी नंबर सही है। आगे देखिए 1295 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों 1295 का सही उत्तर, सबसे पहले तो जो गलत है उसको छाँट दीजिए आप। इसमें तीन बार एल एल आया है, एल का प्रयोग एक बार से ज़्यादा नहीं होता, ये गलत है। बी में तीन बार भी आया है, इसका प्रयोग भी का एक बार से लगातार ज़्यादा नहीं होता। और अगर डी में देखा जाए तो एक्स एक्स जो है 6 बार आया है, जबकि 3 बार से प्रयोग ज़्यादा नहीं होता, तो ये तीनों गलत है। तो सही कौन सा बचा दोस्तों? सी नंबर। एम से 1000, दो गो सी से 200, एल से 50, एक्स से 60 और 5 65। ठीक, तो इस तरह से 590 का देखिए दोस्तों कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले 590 के लिए देखते हैं, 4 बार एक्स आया, ये रॉन्ग हो गया। 5 बार सी आया, ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब देखिए यदि बी नंबर को देखें तो डी से 500, फिर सी से 600 और फिर सी एक्स से 110, यानी 710 हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। और यदि डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो डी से 500 और एक्स सी, यानी कि सी से 100 होता है, एक्स पहले कर दिया, तो 10 घटा दिया, 90 हो गया। तो ये हमारा 500 आप प्लस एक सी से 90, 590 डी नंबर ऑप्शन सही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।